जय जगन्नाथ गाइज़ वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो तो जैसा कि मैंने आपको कल कहा था कि मार्केट डाउन सेट अच्छा मोमेंटम दे सकता है और आज ठीक वैसा ही हुआ आप चार्ट में देख ही सकते हैं तो आपको आज प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ मुझे कमेंट्स में बताना पर अगर आपने आज मेरे एनालिसिस पे ट्रेड लिया होगा तो फिर आपको प्रॉफिट हुआ ही होगा श्योर श्योर बाय द वे मैं खुद ऑप्शन सेलर हूँ पर मैंने आज ऑप्शन बाइंग ही करी थी क्योंकि मुझे पता था स्टार्टिंग आवर्स में मोमेंटम आएगा मैंने कल भी ये चीज़ कही थी कि प्रॉफिट बुकिंग आई है दो सौ सौ पॉइंट की कैंडल बनी है और ग्लोबल मार्केट भी नेगेटिव क्लोज हुई थी कल भी अगर जिसने ध्यान दिया होगा तो मुझे पता था आज फिर से प्रॉफिट बुकिंग आएगी और वो भी स्टार्टिंग आवर्स में ही आएगी बाद में मार्केट साइडवेज हो जाएगा जैसा हुआ है आज जिनका प्रॉफिट हुआ है वैल एंड गुड और जिनका लॉस भी हुआ है तो कोई बात नहीं क्योंकि अभी अब मार्केट में नहीं हो तो कैप्चर इतनी जल्दी नहीं हो पाता बिगनर्स को परफेक्ट एंट्री और एग्जिट नहीं पता होता है कभी कभी हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को लॉस में एंड कर देते हैं तो वो स्टार्टिंग में सारी दिक्कतें आती हैं अभी आपका मेन फोकस इस बात पर होना चाहिए कि मैं आपको एनालिसिस क्यों दे रहा हूँ किस रीजन से दे रहा हूँ तो अगर आपको वो रीज़न पता चल जाएगा पीछे का जो मैं आपको एनालिसिस बता रहा हूँ कि कल का मार्केट कहाँ जा सकती है किस तरफ का ट्रेड ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी जिसकी तो आपके लिए बेटर रहेगा कल को प्रॉफिट आ जाएगा उसकी टेंशन मत लेना बाकी अब कल के लिए एनालिसिस कर लेते हैं तो निफ्टी फिफ्टी शुरुआत में तो बेरिश थी उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गई है डेली चार्ट में भी वही लग रहा है कि हैमर बना हुआ है रेड बड़ा हैमर ये और कल मेरे हिसाब से साइड वेज ही रहेगी मार्केट ज़्यादा कहीं जाएगी नहीं निफ्टी क्योंकि तो रिश्ते रिवॉर्ड भी कहीं नहीं है तो ट्रेंड लेने का भी फायदा नहीं है बट हाँ अगर बड़ा गैप डाउन नहीं खोला या गैप अपनी खोला अगर मान लो फ्लैट खुल जाती है निफ्टी तो एक अच्छी साइड कैंडल ज़रूर बन जाएगी तो इन कैंडल अगर बन जाती है तो नेक्स्ट डे हम उसको ट्रेड कर सकते हैं वो एक अच्छा ट्रेड रहेगा अब बात कर लेते हैं बैन निफ्टी की तो बैन निफ्टी तो डेली में पेरी सी बात हुई है तो कल अगर गैप डाउन खुल जाता तो पहले पंद्रह मिनट की कैंडल बनने देना उसके बाद अगर वो अपसाइड ब्रेकआउट दे तो ट्रेड ले सकते हो एक अच्छा ट्रेड है और अगर डाउन साइड ब्रेकआउट दे तो मत लेना या फिर अवॉइड ही करना वैसे तो पर अगर लेना हो तो फिर हाफ क्वान्टिट्टी से लेना और अगर मान लो गैप अप खुल जाता है तो फिर वो इन साइड के अंडली बनाएगा बैंक निफ्टी भी तो साइडवेज हो जाएगी मार्केट ऑप्शन सेलर जो हैं वो स्ट्रैडल बेच सकते हैं वैसे अगर मान लो फ्लैट खुल जाती है मार्केट तो फिर वेट करना डब्ल्यू पैटर्न बनेगा मेरे हिसाब से फोर्टी सेवन थाउजेंड फाइव हंड्रेड का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है मार्क कर लेना उसके आसपास अगर डब्ल्यू पैटर्न बनाता है बैंक निफ्टी और ऊपर की साइड जाता है तो एक अच्छा ट्रेड बनेगा बाकी अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो या फिर आपको कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट पर लिख देना या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना मैं आपको यूजर नेम अपना डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और ऑलवेज़ फील फ्री टू तो आस्क थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग